नमस्कार, आप देख रहे हैं डीजी हिमाचल, कर्मचारियों का नंबर वन न्यूज चैनल। आइए बात करते हैं आज के लेटेस्ट अपडेट की। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें और लेटेस्ट नोटिफिकेशंस और अपडेट के लिए बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। लौटे सीएम, पे कमीशन पर बैठक आज, कर्मचारियों की सभी मांगों पर वित्त विभाग से करेंगे चर्चा। 15% पर बन सकती है बात, हायर ग्रेड में फंसा है पेच। कई ज्ञापन आने के बाद भी वित्त विभाग बदलाव के पक्ष में नहीं, मुख्यमंत्री से कर्मचारियों की बंधी आस। राज्य के सरकारी कर्मचारियों के लिए 3 जनवरी को जारी नए पे रिवीजन रूल्स में कुछ संशोधन हो सकता है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर अब शिमला लौट आए हैं और अब कुछ दिन शिमला में ही है। वह 25 जनवरी को पूर्ण राज्यत्व दिवस के लिए सोलन जाएंगे। इससे पहले शनिवार, रविवार और सोमवार को पे फिक्सेशन के लंबित विषयों पर चर्चा होगी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शनिवार को दोपहर बाद अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त के साथ बैठक बुलाई है। इससे पहले वित्त विभाग से सभी विकल्प सामने रखने को कहा है, इसी के आधार पर आगे का फैसला होगा। अब तक सरकार को करीब 10 ज्ञापन संशोधन को लेकर मिल चुके हैं, लेकिन वित्त विभाग किसी भी संशोधन के पक्ष में नहीं है। अब मुख्यमंत्री के साथ बैठक में ही कोई हल निकलेगा। इधर राज्य सरकार कर्मचारियों को 15% वृद्धि का तीसरा विकल्प दे सकती है, इस बारे में चर्चा चल रही है। लेकिन पेच सिर्फ हायर ग्रेड पे में 2 साल की शर्त को लेकर अटका है, जिसे भविष्य के लिए तो खत्म कर दिया गया है, लेकिन 2017 के बाद नियुक्त जिन कर्मचारियों को इससे नुकसान हो रहा है, उनकी भरपाई कैसे होगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। इसी कारण से पंजाब और हिमाचल की नई बेसिक सैलरी में भी अंतर है। अब देखना यह है कि इसका क्या हल सरकार निकालती है। इधर इसी असमंजस के बीच कर्मचारी वेतन आयोग के लिए अपना विकल्प नहीं दे रहे हैं। यदि 1 महीने के भीतर विकल्प नहीं दिया गया तो DDO अपने तरीके से वेतनमान का निर्धारण करेंगे। इसलिए क्या सरकार इस बारे में कोई संशोधन का समय बढ़ाएगी, इसकी संभावना नहीं दिख रही है। हालांकि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ये कह चुके हैं कि किसी का भी नुकसान सरकार नहीं चाहती है, इसलिए जो जरूरी संशोधन होंगे वो किए जाएंगे। वापस लिया पे फिक्सेशन वेरिफिकेशन का ऑर्डर। वही दूसरी तरफ सरकार ने पे फिक्सेशन का वेरिफिकेशन ऑर्डर वापस ले लिया है। वित्त विभाग ने पहले जारी पे फिक्सेशन वेरिफिकेशन का ऑर्डर वापस ले लिया है। इससे DDO ही अब पे फिक्सेशन करने के बाद वेरिफिकेशन भी कर सकेंगे। इससे पहले ये काम ट्रेजरी अफसरों को दे दिया गया था। इसका अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ ने विरोध किया था, इससे पे फिक्सेशन में देरी की आशंका थी। हालांकि अब भी हिमाचल में 1 जनवरी से पे कमीशन का लाभ कर्मचारियों को मिलने पर कई आशंकाएं हैं। एक और कर्मचारी पे रिवीजन रूल्स में संशोधन की मांग कर रहे हैं, दूसरी ओर अधिकांश पे कमीशन पर अपने ऑप्शन नहीं दे रहे हैं। जिला सोलन राजपत्रित कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष JK ठाकुर ने वित्त विभाग की इस अधिसूचना का विरोध किया था और कहा था कि पे फिक्सेशन वेरिफिकेशन की प्रक्रिया कर्मचारियों में आक्रोश फैलाने और सरकार की छवि धूमिल करने की कोशिश थी। अब देखना होगा कि आने वाले समय में किस तरीके से नए वेतनमान का निर्धारण किया जाता है, क्या उसमें कोई संशोधन होता है या उसके लिए किसी तरह की अधिसूचना या घोषणा मुख्यमंत्री जी आने वाले 25 जनवरी को कर सकते हैं, इसके बारे में आने वाले समय में ही पता लग पाएगा। यदि आपको ये खबर अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और लेटेस्ट नोटिफिकेशंस और अपडेट के लिए आप बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें।